टुडे वी विल डू इंग्लिश एनसीईआरटी। हमारा जो मैरीगोल्ड इंग्लिश की जो बुक है उसका हम यूनिट टू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आफ्टर ए बाथ फॉर द फर्स्ट स्टैंडर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो आइए हम देखते हैं इस पोएम में क्या है। पहले मैं ये पोएम को रीड करती हूँ। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई 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 टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई 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 Hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I did take if I were a dog and could shake, shake, shake. Okay. इस पोएम में क्या बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा है। आफ्टर ए बाथ का मतलब होता है नहाने के बाद की बात है ये। यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जो वो अपने नहाने के बाद क्या क्या करता है वो बताया गया है। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई ट्राई मतलब कि वो क्या करता है कि कोशिश करता है खुद को सुखाने के लिए कि वो सूख जाए जल्दी से। अपने हाथों को सुखाता है, अपने हाथों की जो उंगलियां होती है उसे सुखाता है, अपने पाँव में जो टोज जो हमारी उंगलियां होती हैं पाँव के उसे हम टोज कहते हैं, उन टोज को सुखाता है। एंड टू वीक लेग्स और जो उसके टांगे हैं जो गीली है उसे भी सुखाने की कोशिश करता है। एंड अ शाइनी नोज जैसे कि नहाने के टाइम हमारे नाक पर जो पानी गिर जाता है वो बहुत चमकता है उस टाइम, तो उसे भी सुखाने की कोशिश करता है ये बच्चा। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई डिड टेक वो सोचता है कि देखो मैं कितने कम समय में मैं कितने जल्दी सूख जाता हूँ। अब वो ऐसा सोचता है इफ़ आई वेयर अ डॉग एंड कुड शेक 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 और अब वो समझता है कि अगर मैं शायद कुत्ता होता मतलब एक डॉग होता तो मैं कैसे करता कि जैसे अपने आप लोगों ने देखा होगा ना कि छोटा जो डॉगी वगैरह जो होते हैं उन लोगों को हम नहलाते हैं तो उसके बाद वो लोग कैसे खुद को झटकते हैं जोर जोर से। तो ये बच्चा भी इस तरह से सोचता है कि मैं भी अगर ऐसा करता तो जल्दी सूख जाता करके। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।